हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है, जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियो और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड कराता है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो। अगर अभी तक नहीं किए तो प्लीज़, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट सी टूडे टॉपिक, सेल्यूलर रेडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्यूलर रेडियो यूज़ क्यों होता है? जब हम किसी के साथ मोबाइल पे बात करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, वो भी एक जात का एक टाइप का डेटा ट्रांसफर ही होता है, ओके? तो वॉइस के फॉर्म में हम डेटा ट्रांसफर करते हैं। तब जो भी हमारा मोबाइल फोन है उसको बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट करके वो हमें एक ट्रांसमिशन मीडियम प्रोवाइड करता है। यह वो ट्रांसमिशन मीडियम प्रोवाइड करने के लिए सेल्यूलर रेडियो का यूज होता है, उसे सेल्यूलर नेटवर्क कहते हैं। सेल्यूलर नेटवर्क जो भी हमारा कॉल है उसको हैंडलिंग करना, उसको सेटअप करना, ये सारी चीजें सेल्यूलर नेटवर्क करता है, जो फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करके मोबाइल एंड बेस स्टेशन को वो कनेक्ट करता है, जिसकी मदद से हम हमारे कॉल को इजीली हैंडल कर सकते हैं। जब हमें किसी भी मोबाइल से बात करनी हो तब हमारा मोबाइल फोन बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट होता है, तभी हम सामने वाले के साथ, सामने रिसीवर के साथ या सेंडर के साथ बातचीत कर सकते हैं। सेल्यूलर नेटवर्क में एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर भी होता है, जो हमारे मोबाइल कॉल को हैंडल करता है, स्विच करता है। सेल्यूलर में रेडियो बेस स्टेशन में भी दो टेक्निक होती है। मोबाइल टू बेस स्टेशन में दो मेथड होती है, कंबाइन FDMA एंड CDMA। फर्स्ट ही कंबाइन FDMA। FDMA स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। FDMA में जो भी हमारा डेटा आता है उसको अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी एक स्मॉल स्पेक्ट्रम में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद जो भी डेटा हमने स्पेक्ट्रम में डिवाइड किया है वो सेम ATL सेल के थ्रू पूरे सेल्यूलर रेडियो में ट्रांसफर होता है। इससे वो काम SDMA करता है। जो भी हमने डेटा SDMA मीन्स कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, जो भी हमने डेटा फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम में ट्रांसफर किया वो डेटा पूरे नेटवर्क के अंदर सेम सेल में CDMA ट्रांसफर करता है। और FDMA एंड TDMA, FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस एंड TDMA टाइम डिवीजन मल्टी एक्सिस का यूज करके हम GSM हैंडल करते हैं। GSM का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। पूरे मोबाइल को हैंडल करने के लिए एक सिस्टम होती है, मोबाइल कॉल्स को सेटअप करने के लिए एक सिस्टम होती है, उसे ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कहते हैं, जिसके अंदर भी 4 टाइप के सेल होते हैं। लेट्स सी, मैक्रो, माइक्रो, पीको एंड अम्ब्रेला। मैक्रो सेल तब यूज होता है जब बेस स्टेशन के अंदर एंटीना इंस्टॉल हुआ होता हो। माइक्रो सेल तब यूज होता है जिसमें एंटीना की हाइट लेस देन रूफ लेवल है, मींस के जो भी बेस स्टेशन है उसमें एंटीना की हाइट उसके रूफ लेवल से कम हो। पीको, दिस सेल इज यूज फॉर स्मॉल सेल डायमीटर। जब हमने जो भी सेल यूज किया है, जो भी डेटा शेयर किया है वो सेल में कन्वर्ट होता है, तब उसकी डायमीटर अगर स्मॉल है तो पीको यूज करता था। अम्ब्रेला, दिस सेल इज यूज टू कवर द शेडो, जो भी शेडो होता है उसको कवर करने के लिए अम्ब्रेला का यूज होता है। GSM में के भी अंदर 3 स्टेशन होते हैं, BSS, NSS ने OSS। BSS स्टैंड फॉर बेस स्टेशन सब सिस्टम, जो कि हमारे मोबाइल फोन में ट्राफिक हैंडल करता है। हमारे मोबाइल फोन में भी जब हम कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसफर करते हैं तब भी बीच में बहुत ही ट्राफिक होता है, उसको हैंडल करने के लिए बेस स्टेशन सब सिस्टम लगता है। NSS नेटवर्क एंड स्विचिंग सब्सक्रिप्टर, मीन्स के मोबिलिटी मैनेजमेंट के लिए ये लेयर यूज होता है। NSS OSS ऑपरेटिंग सब सिस्टम, जो कस्टमर को इफेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है, मीन्स कि अगर हमें कोई भी हमारा कॉल पहले तो बेस स्टेशन में ही जाता है और बेस स्टेशन से हमारा मोबाइल में वो दोनों कनेक्टेड होते यूजिंग सेल्यूलर नेटवर्क। उसके बाद हमें जो भी इफेक्टिव सपोर्ट मिलता है, मीन्स कि रिलायबल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव सपोर्ट, वो सारा OSS हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सब सिस्टम। थैंक यू।